बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है, भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला जो एक गंभीर आरोप है वो लगाते हुए भी नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, इसके लिए देश के साधु संत और हिंदूवादी लोग उनके समर्थन में आके आए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का समर्थन संत समाज भी पूरी तरह से अब करता हुआ नजर आया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत राम और कृष्ण का देश है। संत महात्मा कई सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो क्षण हमारे लिए गौरव का होगा। देखो, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, हिंदू राष्ट्र की बात करी है। जो भी संत या कोई भी भारत का नागरिक अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो पूरा संत समाज नहीं, पूरी भारत की जनता उसके साथ है, क्योंकि भारत एक ऐसा पूरी दुनिया में है जहाँ हिंदुओं की सबसे ज़्यादा वो है। ज़रूरत पे रोज़ बैठेंगे होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हमेशा करते हैं, हर मंचों पे बात होती है, सभी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सबके दिल में है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री से तो हमेशा हमारे संत महात्मा मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, ये हिंदू राष्ट्र के ऊपर काम हो, मांग कर रहे हैं, और एक न एक दिन जरूर आएगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत सूझ वाले व्यक्ति हैं और वो हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से मानते भी हैं, समझते भी हैं। उन पर आरोप लगाने पहले वो अपने ऊपर झांकें, अपने अपने बारे में देखें, अपनी बैकग्राउंड देखें, अपने बारे में सोचें। जो अनेक प्रकार दूसरे जो मजहब हैं, दूसरे जो धर्म हैं, जिनके उन पर क्यों नहीं देख रहे हो, उनके बारे में क्यों नहीं हो रहा, हमारे हिंदुओं के बारे में क्यों प्रचार हो रहा है इस तरह का? नहीं देखो, हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है, हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भगवान राम जो है कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, हिंदू राष्ट्र बने। हमारे संत महात्मा कहीं सालों से लगे हुए हैं, कोई तपस्या में लगे हैं, कोई अनशन पे लगे हुए हैं, परंतु जब तक ना सरकार चाहेगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये क्षण तो गौरव का होगा ही, जहाँ राम राज्य होगा इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो हम जिसको हम मानते हैं, जिसको हम चाहते हैं भगवान राम को, उसी का जब राज्य होगा तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बागेश्वर धाम वाले पंडित जी है, बहुत अच्छे विद्वान पंडित है, कथाकार है, और उसके बाद उनका जो काम है भूत प्रेत जिसको भी बाधा होती है उसको वो भगाते हैं, दूर करते हैं, हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है। उनको विवादों के घेरे में डालना अच्छा नहीं है। अब वो श्याम मानव जी जो है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, श्याम मानव का काम यही रहा है, सनातन धर्म के जितने भी संत महात्मा नागा सन्यासी जितने भी है वो सबके पीछे पड़े रहते हैं, उनका जो धंधा यही है, इसलिए श्याम मानव का हम विरोध करते हैं और हम जो है अपने बागेश्वर धाम वाले जी महाराज को हम जो है सपोर्ट करते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आफरीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। आफरीन, देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं, उनको लेकर एक तरफ दो गुटों में कहीं ना कहीं लोग बटे हुए हैं, एक तरफ समर्थन हो रहा है, दूसरी तरफ विरोध। ऐसे में अब संत समाज भी इसका विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार से किस तरह के रिएक्शन संत महात्माओं के सामने आ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बागेश्वर धाम और उनके महाराज जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो इन दिनों वाकई में सुर्खियों में छाए हुए हैं, हर तरफ सिर्फ उन्हीं का चर्चा चल रहा है। ऐसे में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये बयान दिया है, तो उनके समर्थन में जो है संत समाज में कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें कि अब ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है महंत रविंद्र पुरी, ये जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का जो ये बयान है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि उन पर हनुमान जी की कृपा है और उनको विवादों के घेरे में डालना उचित नहीं है। श्याम मानव का काम यही है कि वो सनातन धर्म से जुड़े साधु संतों के पीछे पड़े रहते हैं और इसलिए हम श्याम मानव का विरोध करते हैं। तो वही ऐसे में महंत रविंद्र पुरी का ये उन्होंने बयान दिया। इसी के साथ जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है ललितानंद गिरी जी, उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और जैसे कि जो दूसरे मजहब है उनके ऊपर बात ना होते हुए हमारे धर्म पे बात क्यों होती है। तो ऐसे में कई लोग ऋतु समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा, और जो लोग वहां पे जाने वाले हैं बागेश्वर धाम जाते हैं
तो वहां पर भी हमने देखा है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका आस्था है, जिनके जिनके अंदर आस्था है इसको लेकर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंधविश्वास बताते हैं। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही बिल्कुल आफरीन, ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला ये से माना जा रहा है। लेकिन इस दौरान अब किस तरह से जो बयानबाजी के स्वर और इसके साथ ही समर्थन विरोध की जो बयार है वो बह रही है, वो अब आने वाले समय में क्या कैसे थमती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आप अपडेट लेंगे।